जयपुर। मैं अशोक कुमार, सरपंच पिंड कोथड़ा, जिला शहीद भगत सिंह नगर। जी आए आखदा UPI न्यूज़ चैनल का साथियों का, जिन्होंने मतलब हालात के मुद्दे पंचायत का और साडा पक्ष जानने की कोशिश की है। जी कोरोना महामारी पूरी दुनिया में जी खतरनाक जो रूप धारण कर चुकी है। इस वेले देश के हालात इदा के बन चुके हैं, लगभग 7 लाख तो उपर जी गिणती टप गई है मरीजों की। और जेकर आप देखा जाए तो ज सब तो ज़्यादा जी मार करोना की पई आ मजदूर वर्ग न, क्योंकि हैंड टू माउथ जोड़े लोग नित कमा के नित खाने वाले ने उन्होंने बहुत प्रॉब्लम आई आ इन तिना महीनों के दौरान। सो फिर भी असं धन्यवाद करते हैं जोड़े NRI साथियों का, NRI वीर पेंड के दानी सज्जणा का, जिन्होंने वध चढ़ के पंचायत को और सानू डोलन नहीं दिता। वो बहुत फंड भेजा, लगभग असी 8 लाख तो उपर दवाइया और राशन जोड़ा आड़वंदा बन चुके हैं। और साड़ी कोशिश है जदों तक हालात मद्दे हालातों मद्देनजर रखते नहीं ठीक हो रहे उदों तक साड़ी कोशिश होगी भी जिहड़ा असी वध तो वध जिहड़ी लोगों की हैल्प कर सकीए। जिहड़े भी लोड़वंद हुण भी साडे कोल आ रहे आ और हुण भी असी उन्हां दी मदद कर रहे हैं। बेरोजगारी बारे तो सरकारी नीतियां जिहड़ियां जदों तक सरकार दीआं नीतियां नहीं चेंज हो रही नहीं हो गई उदों तक जिहड़ा आ यूथ जिहड़ा अज नौजवान जिहड़ा आ वर्ग आ उह पढ़ लिख के विदेशों नूं दौड़ रहा है। इहदा वड्डा कारण इही आ कि देश विच नौकरियां नवीं नौकरियां नहीं पैदा हो रही। सरकार नूं अपनी नीतियां बदल के बदलवा प्रबंध करके जिहड़ियां नौकरियां वध तों वध नवीं पैदा करनियां चाहीदियां आ। जिहड़ा नौजवानों का रुझान पढ़ लिख के डिग्रियां लैके जिहड़ा आ आईलैट करके बाहर नूं दौड़ रहे ने उन्होंने इत्थे ही अगर नौकरियां प्रदान करनगे सरकारी नीतियां चेंज करके तो उन्होंने, क्योंकि नौजवान जिहड़ा आ देश की रीढ़ की हड्डी होंदे ने और उहदे मुताबिक जेकर असीं नौजवानों नूं इत्थे ही रोज़गार पैदा करांगे दवांगे तो साडे देश की जिहड़ी आ उह तरक्की नूं कोई नहीं रोक सकदा। वो सरकार दीआं जिहड़ियां नीतियां जिहड़ियां मारू ने इन्हां नूं आपां नूं चाहीदा आ कि वध तों वध रोज़गार पैदा करन। नशे बारे तो जिहड़ा पंजाब एक जिहड़ा इदां दा सूबा बन चुका आ नशे बारे पूरे देश विच, जिथे पंजाब खुशहाली और किसानी लई मशहूर सी और इस वेले जिहड़ा बदनाम हो चुका है काफ़ी जिहड़ा नशियां दे कुछ जिहड़े लोग हुंदे ने ड्रग माफिया समगलर तौर पर कह लो दूजियां स्टेटां चों लिया के इत्थे सप्लाई करदे ने वेचदे ने। और जेकर सरकार नशे के विरोध च मतलब सख्ती जब तक नहीं करती उदों तक जिहड़ा आ नशे ते लगाम आपां नहीं ला सकदे। इहदे विच लोकां नूं पंचायतां नूं सरकारां दा साथ देना चाहीदा आ, जिथे किते मतलब पिंड च जां शहरां च किते इदां दे गलत जिहड़े आ अंसर हैगे आ उहनां नूं रोकण लई पुलिस और प्रशासन का साथ दिओ, क्योंकि जिहड़ा नशा आ जिहड़ा आ नशा दे कारण ही बेरोजगारी वध रही आ। और नाल नाल जिहड़ा आ जिहड़ा यूथ है अज दा पढ़ाई वालों ध्यान दे रहा है पढ़ लग गया पर जो नौकरियां नहीं मिलदियां तो वह मजबूरन वह गलत रस्ते अख्तियार करते हैं। डिवेलपमेंट तो डिपेंड होंदा आ देश दीआं सरकारां ते और देश नूं सरकार जिहड़ी आ किद्दां दे जिहड़े आ लीडर साडे चला रहे आ, क्योंकि अजकल दे जिहड़े लीडर आ खुद भ्रष्टाचार दे विच लिप्त हो चुके आ। वो फिर आप डिवेलपमेंट की आस कितना कर सकते हैं अगर लीडर देश में चलाने वाले शासक ही मतलब नहीं मतलब चंगे हो अपना देश की डिवेलपमेंट की आस नहीं रख सकते। देश में चलाने लिए पढ़े लिखे नौजवान नौजवानों अगे आना चाहिए आ, जो तक वो राजनीति हिस्सा नहीं लैणगे जो उदों तक जी देश की राजनीति में तब्दीली नहीं आऊगी। डिवेलपमेंट डिपेंड करती है देश में चलाने वाली सरकारां ते, अगर सरकारां चंगीआं होणगीआं बंदे चंगे अगे आउणगे तो हमेशा ही पिंडां दी शहरां दी देश दी डिवेलपमेंट होगी।